हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार। आम का सीज़न आ गया है और अभी जो मेरे पास आम है उनमें बिल्कुल भी जली नहीं पड़ी है। बहुत ही सॉफ्ट वाले आम मैंने यूज़ किए हैं। ये एक से डेढ़ किलो करीब आम है, इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं इनके छोटे छोटे से पीसेस कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी आपको कट लगाना हो वैसे आप इसके पीसेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं वो भी निकालते गई थी। थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें मिला ली है और हल्दी के साथ साथ यहाँ मैंने राई मिलाई हुई है। राई जो बाज़ार में सरसों आराम से मिल जाता है, दाल सरसों की जो दाल होती है वो डाली है मैंने यहाँ पर। ऐसे ही हाथ से अंदाज से डाल दी है थोड़ी सी, 2 चम्मच। यहाँ लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, ये कलर वाली मिर्च है, 2 चम्मच मैंने डाल दी है। आप कम तीखा खाएं तो कम यूज़ करें। साथ ही यहाँ पर छोटे चम्मच मेथी दाना पीस के डाला हुआ है मैंने। ये मेरा पिसा हुआ भुना हुआ जीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 1.5 चम्मच। 1 चम्मच हल्दी फिर से मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही मैं नमक स्वाद के अनुसार मिला लीजिए आप, जैसा भी नमक ज़्यादा खाना चाहें कम खाना चाहें। दरअसल आम के अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, इसलिए मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें नमक डाला है। साथ ही यहाँ सरसों का तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने सरसों के तेल को गर्म करके और ठंडा कर लिया था और ठंडा करके ही तेल को मैंने इसमें मिलाया है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम ऊपर नीचे करके मिला देंगे। बहुत ही आसान है ये अचार डालना फ्रेंड्स। इस अचार को हम साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से लहसुन गया है, मिर्च की वजह से कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है। इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, 2 से 3 दिन बाद मैं इसे डब्बे में स्टोर कर लूँगी। कांच के जो बर्तन होते हैं ना उसमें यूज़ कर लूँगी, अच्छी तरह से स्टोर कर लूँगी। बने रहिए मेरे चैनल पर। नमस्कार।